हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ रिशिका, और आज अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं एनवायरनमेंट के लेसन, जो कि हमारी शंकर आईएएस एकेडमी की बुक से है। तो काफ़ी लेसन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अभी हम लोग पार्ट फर्स्ट देख रहे हैं, और पार्ट फर्स्ट में हमारी काफ़ी चैप्टर कंप्लीट हो चुकी है। अब जितनी भी चैप्टर्स बची है उसको मैं जल्दी से कंप्लीट करती हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, तो देखते हैं कि कितने टॉपिक मैं यहाँ पे कवर कर पाती हूँ। सो रेस्ट ऑफ द लेसन देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी है, और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से सारी लेसन देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन के साथ। तो पॉल्यूशन होता क्या है पहले ये समझिए। पॉल्यूशन किसी भी चीज़ में, चाहे हमारी एयर हो, वाटर हो, लैंड हो, मतलब कि आप लोग को यहाँ पे मेजरली तो हम लोग देखते हैं वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन। तो इन सारी चीज़ों में जो हमारी अनसर्टेन थिंग्स जो ऐड हो जाती है, यानी कि यहाँ पे एडिशन और जो एक्सेसिव एडिशन होता है कुछ सर्टेन मटेरियल्स का, वो भी हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट में, जो कि बेसिकली हमारे लाइफ के लिए अनफिट होती है, ह्यूमन बींग्स के लिए अनफिट होती है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं होता, हमारे स्पीशीज के लिए, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पौधे हो, किसी भी स्पीशीज के लिए ये सही नहीं होता, तो उसको हम लोग कहते हैं पॉल्यूशन। पॉल्यूटेंट्स क्या होता है? पॉल्यूटेंट्स जो है कुछ मटेरियल्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, जिसके कारण हम लोग जो है अपने इन्वायरमेंट के कुछ कंपोनेंट में एडवर्स इम्पैक्ट देखते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट। फॉर एग्जांपल, आप लोग देखते हो कि इंडस्ट्री से, ऑटोमोबाइल से स्मोक निकलती है, केमिकल्स जो है वो हमारे फैक्ट्री से, रेडियो फैक्ट्री से निकलती है, रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है वो हमारे जो न्यूक्लियर प्लांट से निकलती है, सीवेजेस है, कचड़े है जो हमारे घर से निकलते हैं, डिस्कार्डेड हाउस होल्ड आर्टिकल्स है जो कि ये कॉमन पॉल्यूटेंट है। तो हर एक सेक्टर में आपको पॉल्यूटेंट देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को गंदा करते हैं। आप क्लासिफिकेशन देख सकते हैं, तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, इस तरीके से बहुत सारे पॉल्यूटेंट आपको देखने को मिलेंगे। प्राइमरी पॉल्यूटेंट वही है कि जो कि हमारे इन्वायरमेंट में ऐड किया जाता है, और ये आप लोग डीडीटी देख सकते हो, प्लास्टिक है जो कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट में आती है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में वो है जो हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट के साथ इंटरेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, आप पैन देख सकते हो, यानी कि पेरोसाइलिटिलाइल नाइट्रेट है, जो कि यहाँ पे हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन के साथ यहाँ पे आपका इंटरेक्ट होकर होता है। तो इतना ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ना कि हम लोग इन्वायरमेंट में एकदम मीन्स कहते हैं ना कि पीएचडी करने लायक नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि पॉल्यूशन की कॉजेज क्या क्या है। सबसे पहले आप लोग को पता है कि हमारी पॉपुलेशन कितना ज़्यादा बढ़ते जा रही है। एक लैंसेंट रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया गया था कि 2027 तक, अगर हम लोग जिस तरीके से चल रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है, 2027 तक हम लोग चाइना को भी सरपास कर देंगे, यानी कि इंडिया वुड बी द फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो जाएगी वर्ल्ड में। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, उद्योगीकरण आप लोग देख रहे हो कितना ज़्यादा हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रही है, यानी कि आप लोग देख सकते हो कि हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन लाइफ को मीन्स जीना पसंद कर रहे हैं, अर्बनाइज हो रहे हैं, हम लोग को अच्छा अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी चाहिए, सारी चीज़ें हम लोग को बेटर तरीके से चाहिए, तो इसलिए अर्बनाइज हो रहे हैं। अनकंट्रोल एक्सप्लॉयटेशन है, इसीलिए हम लोग नेचर का भी बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर हम लोग एक्सप्लॉयट करें, बर्बाद करें। इसके का आप लोग देखोगे कि जंगल में जो आग लग रहे हैं, अभी जो आप लोग अमेजोन फॉरेस्ट फायर देखे थे, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की जो बुश फायर थी, तो ये सारी जो फॉरेस्ट फायर है ये भी एक हमारे पोल्यूशन का कॉजेज़ है। रेडियो एक्टिविटी है, वोल्केनिक इरप्शन है, स्ट्रॉन्ग विंड है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है। तो ये सारी तो मेन कॉजेज है जिसके कारण पोल्यूशन होती है। अब मेनली हम लोग चलते हैं कि जो भी पोल्यूशन है वो किस किस तरीके से है। तो एयर पोल्यूशन सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, तो वो एयर पोल्यूशन है, क्योंकि 4 डेवलपमेंट के कारण है। आप लोग देखोगे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, साथ ही साथ हमारी सिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो ये चार ऐसी मेजर चीज़ है जिसके कारण जो है हमारे यहाँ एयर पॉल्यूशन बढ़ रही है। आप लोग देखो कि एटमॉस्फेयर में एक से ज़्यादा कंटामिनेटेड जो है वो प्रेजेंस है, और इस तरीके की क्वालिटी में है, ड्यूरेशन में है, जो कि हमारे हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा इंज्योर कर रही है, हमारे ही हेल्थ को नहीं, एनिमल प्लांट सबके हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंज्योर कर रही है। तो ये जो कंटामिनेशन है एयर का, ये हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिस्चार्ज भी कर रही है। साथ ही एयर पॉल्यूशन की बात करें तो इसके कारण बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। सबसे पहले तो हमारी इन्वायरमेंट डैमेज हो रही है, हमारी प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज कहने का मतलब है कि आप लोग देख सकते हो कि इस मंथ में बारिश कम होती है, लेकिन आप लोग देख रहे हो कि मार्च वाले मंथ में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, आज की डेट में क्या है कि अभी भी हम लोग जो है पूरी तरीके से समर में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, बारिश हो रही है। अगर आप लोग नॉर्दर्न रीजन में हो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो इस मंथ में बारिश क्या होती है आप लोग को पता है? तो ये है क्लाइमेट चेंज का प्रभाव। साथ ही हम लोग देखे थे कि एक्सट्रीम कोल्ड थी इस बार, हीट भी एक्सट्रीम हीट थी, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण हम लोग क्लाइमेट चेंज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब मेजर एयर पॉल्यूटेंट कहा जा रहा है और उसके सोर्सेज को देख लेते हैं।
सबसे जो भयंकर यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जो एयर प्रदूषण का जो सबसे भयंकर जो सोर्स है वो है कार्बन मोनोक्साइड। ये कलरलेस है, ऑडरलेस गैस है जो कि इनकम्प्लीट कम्बशन से होता है, यानी कि अगर आप लोग कहीं भी फ्यूल वगैरह जला रहे हो, फॉसिल फ्यूल जला रहे हो या डीजल चल रहा है, पेट्रोल है, वुड है, अगर ये सब पूरी तरीके से नहीं जली है, आधा जली है, तो इससे क्या होता है ना कि एक कार्बन मोनोक्साइड जो गंदी गैस होती है, जहरीली गैस, वो निकलती है। और ये हमारे नेचुरल या फिर सिंथेटिक जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि सिगरेट वगैरह, इसके जलने से भी प्रोड्यूस होता है। तो आप लोग सोच सकते हो जितने भी यहाँ पे आप लोग सिगरेट पीने वाले हो, तो जो भी स्मोक करते हो उससे आप लोग समझ सकते हो कि हमारे इन्वायरमेंट में कितना ज़्यादा कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इन्वायरमेंट में ही नहीं हो रहा, आप उसको अपने बॉडी में भी इनहेल कर रहे हो, तो इसलिए ये सारी चीज़ों से आप लोग दूर रहिए। साथ ही यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो भी लोअर होता है, कम होती है, जो कि हमारे फूड में इंटर हो रही है, ब्लड में इंटर हो रही है। उसके बाद सेकंड अगर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमारे एयर पॉल्यूशन में ही आती है। ग्रीन हाउस गैस इमिटेट का ये एक प्रिंसिपल सोर्स है, जिससे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ आप देखोगे, जैसे हम लोग कोल जलाते हैं, ऑयल जलाते हैं, नेचुरल गैस है, तो इन सारी चीज़ों के कारण जो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होती है। फिर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैस है जो कि मेनली आपको एयर कंडीशनिंग सिस्टम या फिर रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन है, जिसमें कि आप लोग देखते हो कि गर्मी में बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देती है, तो ये हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ही इस्तेमाल से देती है। जितना ज़्यादा हम लोग जो एयर कंडीशन में बैठते हैं, रेफ्रिजरेटर का जो मज़ा उठाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने लिए तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन इन्वायरमेंट के लिए बहुत बुरा कर रहे हैं। बहुत ही जहरीली गैस निकलती है जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है। वहीं अगर लीड की बात करें तो लीड हमारे पेट्रोल, डीजल, लीड बैटरीज, पेंट, हेयर डाई, ये सारी चीज़ों में प्रेजेंट होती है। साथ ही बच्चों को लीड बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। वहीं अगर ओजोन की बात करें तो ओजोन जो है हमारे अपर लेयर ऑफ एटमोसफेयर में पाई जाती है, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में, और ये इंपॉर्टेंट होती है गैस शील्ड, जो कि हमारे हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ में आने से रोकती है। साथ ही ये अगर ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो ये हाईली टॉक्सिक इफेक्ट है। इसमें व्हीकल है, इंडस्ट्रीज है जो कि मेजर सोर्स है ग्राउंड लेवल ओजोन इमिशंस की। ओजोन की बात करें तो हमारे आई को इचिंग होती है, बर्न होती है, वाटरी होती है, तो ये सारी कारण ओजोन के कारण ही होती है। साथ ही आप देख सकते हो कि पर्टिकुलेट मैटर है, एक सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर है, PM 2.5 आप लोग सुने होंगे, PM 10 सुने होंगे, तो इसमें आप लोग देखोगे कि ये आपके कुछ सॉलिड में बने होते हैं, वो भी एयर में, और इन द फॉर्म ऑफ स्मोक है, डस्ट है या वेपर है, जो कि सस्पेंडेड है और काफ़ी लंबे समय तक ये रहती है। तो ये आपकी मेन सोर्स है जो कि आपकी जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है। जैसे कि एरोसोल अगर आप देखोगे इन एटमोसफेयर में, तो उससे क्या होता है ना कि थोड़ा हेजी हेजी जैसा आपका इन्वायरमेंट हो जाता है, फॉग होता है, तो फॉग में कैसे आप लोग व्हीकल को ड्राइव नहीं कर पाते हो, थोड़ा सा हेजी दिखता है, विजिबिलिटी हमारी कम हो जाती है। तो यही सारी चीज़ें पर्टिकुलेट मैटर के कारण ये सारी चीज़ें होती है। साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड है, आप लोगों को पता है कि एक रिपोर्ट के थ्रू ये बताया गया था 2019 में कि इंडिया जो है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है। तो ये जो गैस है ये हमारे कोल के जलने से होता है, वो भी थर्मल पावर प्लांट में, तो कुछ जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जैसे कि हमारी पेपर की प्रोडक्शन हो रही है या फिर स्मेल्टिंग हो रही है मेटल की, तो ये सारी चीज़ों से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। एक मेजर कंट्रीब्यूटर है हमारे स्मोक में और एसी ड्रेन में, सल्फर डाइऑक्साइड से पता है लंग डिजीज़ होती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। स्मोक की बात करें तो यहाँ पे स्मोक है जो कि फर्स्ट बार जो है आपका यूज़ किया गया था, उसको छोड़िए, फॉर्मेशन ऑफ स्मोक देखिए, फोटोकेमिकल स्मोक है और क्लासिकल स्मोक है, दो तरीके की स्मोक होती है। तो फोटोकेमिकल जो स्मोक होती है ये आपका कुछ एयर पॉल्यूटेंट को ही डिस्क्राइब करने के लिए होता है, जिससे क्या होता है ना कि आप लोग ये जो फोटोकेमिकल स्मोक होती है ये हम वार्म वाले क्लाइमेट में होती है, जब थोड़ी गर्मी होती है तब यहाँ पे आपको फोटोकेमिकल स्मोक देखने को मिलेगा, और ये सनलाइट के इंटरेक्शन से ही होती है। कुछ सर्टेन अगर केमिकल एटमॉस्फेयर में अगर सनलाइट से इंटरेक्ट करती है तो उसके कारण हम लोग फोटोकेमिकल स्मोक देखते हैं। ओजोन की बात करें जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में है, तो वो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हमारे अर्थ में नहीं आ पाती है, और ओजोन ऑन द ग्राउंड अगर देखें तो हैजार्डियस है हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इफ़ेक्ट ऑफ स्मोक भी देख लेते हैं, इससे क्या होता है ना कि विजिबिलिटी हैम्पर होती है, जब स्मोक वगैरह इन्वायरमेंट में होता है तो हम लोग अच्छे से देख नहीं पाते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, डेथ होता है क्योंकि ब्रोंकाइकल आपकी डिजीज़ होती है। हेवी स्मोक जो है वो हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कम करती है, हेवी स्मोक से क्या होता है कि हमारी जो नेचुरल विटामिन डी की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। तो ये तो रही हमारी आउटडोर जो एयर पॉल्यूशन है वो देख लिए।
इंडोर एयर पॉल्यूशन भी होती है, ऐसा थोड़ी है कि आप घर से बाहर निकलोगे तभी एयर पॉल्यूशन के चपेट में आ गए। आप अपने घर में भी जब रहते हो तो भी आपके घर में भी एयर पॉल्यूशन है, तो वो कैसे है ये आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहला है कि यहाँ पे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है एयर का, जो कि हम लोग इंडोर इन्वायरमेंट में देखते हैं। इंडोर एयर पॉल्यूशन कहने का मतलब है कि घर में, यानी कि कोई भी घर में आप लोग रह रहे हो किसी भी तरीके से, अगर आप लोग चार दीवार के अंदर हो तो उसमें कहते हैं। रूरल एरिया में अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही वाजिब सा बात है, क्योंकि आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में देखोगे कि वो लोग सिलेंडर, गैस सिलेंडर इस्तेमाल नहीं करते, वो लोग चूल्हा इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि लकड़ियाँ वगैरह झोंक के वो लोग खाना बनाते हैं, साथ ही काउडंग का इस्तेमाल करते हैं जो कि मेजर सोर्स होता है आपके पॉल्यूशन का। तो इंडोर पॉल्यूशन उसी से होता है, उससे वुमेन की हेल्थ में काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट होता है, साथ ही घर में जो बच्चे होते हैं उनमें भी एडवर्स इम्पैक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, वहीं अगर अर्बन एरिया की बात करें तो जो एक्सपोज़र है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है बहुत सारे रीज़न के, क्योंकि आप लोगों को पता है कि टाइटली सील्ड बिल्डिंग बन रही है। बिल्डिंग कुछ जगह आप देखोगे कि हवा आने का भी जगह नहीं है, धूप आने का, पानी आने का भी जगह नहीं है, इतना ज़्यादा एकदम कंस्ट्रक्शन वर्क इतना ज़्यादा हेवी हो चुका है। साथ ही हमारी वेंटिलेशन रिड्यूस हो गई है। आज के डेट में आप कंस्ट्रक्शन देखोगे तो क्या होता है कि वेंटिलेशन ख़त्म हो चुकी है। पहले के ज़माने के घर में आप लोग देखोगे कि बड़े बड़े वेंटिलेशन होते थे, लेकिन आज के ज़माने में क्या है कि एयर कंडीशन लगाना है तो वेंटिलेशन की क्या ज़रूरत है। इवन हम लोग विंडो देना भी पसंद नहीं करते, पहले तो बड़े बड़े विंडो भी होते थे, तीन चार विंडो तो एक रूम में होते ही थे, लेकिन आज के डेट में विंडो नहीं होते। तो ये सारी प्रॉब्लम है। सिंथेटिक मटेरियल का यूज़ हो रहा है हमारे बिल्डिंग और फर्निशिंग में, जैसे कि आप लोग फॉल सीलिंग बनाते हो तो उसमें काफ़ी फर्निशिंग वगैरह यूज़ होता है। केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ हो रहा है, पेस्टिसाइड्स, हाउस होल्ड केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही इंडोर एयर पॉल्यूशन जो है वो हमारे बिल्डिंग के अंदर ही हो रहा है और आउटसाइड आउटडोर भी हो रहा है। अदर अगर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देखें, कार्बन मोनोक्साइड है, लीड है, ये सारे नंबर ऑफ अदर पॉल्यूटेंट है जो कि हमारे एयर क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। अब अगर पॉल्यूटेंट की बात करें तो पॉल्यूटेंट में आप देखोगे कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि जो मेन इंडोर सोर्सेज है वो परफ्यूम है। बहुत अच्छे से आप लोग परफ्यूम वगैरह लगाते हो, हेयर स्प्रे करते हो और फर्निश करते हो, पॉलिश, ग्लूज, एयर फ्रेशनर, ये सारी चीज़ें जो इस्तेमाल करते हो ना, उससे कहीं ना कहीं जो है पॉल्यूटेंट होती है। हेल्थ इफेक्ट अगर देखें तो ये हमारे आई को बहुत ज़्यादा इरीटेट करती है, नोज़, थ्रोट, ये सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इरीटेट करती है। लॉन्ग टर्म के लिए आप देख सकते हो कि लीवर को डैमेज करती है और दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी को भी। टोबैको की बात करें तो स्मोक जो जनरेट करती है वाइड रेंज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, ये है कार्सिनोजेनिक। हेल्थ इफेक्ट अगर हम लोग देखें तो बर्निंग आईज, नोज, थ्रोट, ये सारी चीज़ें हैं। बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट देखें तो इसमें हमारी जो है प्लांट और ये सारी चीज़ों से जो पोलेंस है उससे होती है। फॉर्मल्डिहाइड देखेंगे तो ये कारपेट और पर्टिकुलर पार्टिकल बोर्ड्स, ये सारी चीज़ों से होती है। तो ये सारी चीज़ें जो कि आपको हल्का फुल्का ध्यान रखना है, किसी ना किसी तरीके से पूछा जाता है। अब फ्लाई ऐश की बात करते हैं, इससे जो है आपको प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो ऐश जो प्रोड्यूस होता है जब भी कोई सॉलिड मटेरियल्स आपकी जलती है, कंबशन होता है, तो ऐश तो निकलता ही है, आप लोग भी देखे हो धुआं धुआं, जो काला धुआं होता है। फ्लाई ऐश जो है एक तरीके का रेसिड्यू होता है जो कि यहाँ पे गैस के साथ एटमॉस्फेयर में आ जाता है। फ्लाई ऐश बहुत ही ज़्यादा फाइन पाउडर होते हैं और ये एयर में बहुत आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। ये जो ऐश है ना, ये आपका जो है बॉटम ऐश में अराइज नहीं होता, जब ये कोई भी चीज़ जलती है ना तो वो गैस के साथ ऊपर एटमॉस्फेयर में आ जाती है। 73% जो इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो थर्मल है और 90% जो है वो कोल बेस्ड जनरेशन है, जो कि डीजल, विंड, गैस और स्टीम के साथ है, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो बनी होती है। अब इसमें कंपोजिशन आप देख सकते हो कि फ्लाई ऐश में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले है कि एल्यूमिनियम सिलिकेट है जो कि सबसे लार्ज अमाउंट में होती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड है। तो ये तीन है जो कि आपको देखने को मिलेगा। फ्लाई ऐश में सबसे ज़्यादा ऑक्साइड रिच होते हैं और ऑक्साइड सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद आपका सिलिका, एल्यूमिनियम, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि इसको कैसे कलेक्ट किया जाता है। फ्लाई ऐश जो है ना, जनरली यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के द्वारा इसको कैप्चर किया जाता है, या दूसरी पार्टिकल जो कि फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट है, तो इसके जो आपका जो है ना, इससे आपका जो है इसको कलेक्ट किया जाता है। साथ ही इन्वायरमेंटल इफेक्ट अगर हम लोग देखें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर फ्लाई ऐश को कैप्चर नहीं किया गया और इसको प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं किया गया तो इससे हमारी एयर पॉल्यूटेंट होती है, वाटर भी पॉल्यूटेंट होता है, इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। फ्लाई ऐश जो एयर में है वो स्लोली सेटल डाउन होती है लीव्स वगैरह में, जो कि पत्ते होते हैं, और क्रॉप्स में भी वो सेटल डाउन हो जाती है। साथ ही आपको थर्मल पावर प्लांट में भी देखने को मिलेगा और प्लांट टिल्ट के लोअर में भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो क्या होती है ना कि उससे अल्टीमेटली हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्लाई ऐश का एडवांटेज भी है, तभी तो इस्तेमाल हो रहा है। तो सीमेंट को यहाँ पे फ्लाई ऐश से आपका रिप्लेस किया गया है और अप टू 35% तक, और यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जा कम हो जा रहा है। साथ ही फ्लाई ऐश ब्रिक्स की बात करें तो ये बहुत ही कम लाइट वेट की होती है और हाई स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी देती है।
फ्लाइयर्स जो है वो बेटर है कि रोड एम्पार्कमेंट में काफ़ी ज़्यादा वो मटेरियल को फिल करती है। साथ ही फ्लाइयर्स की बात करें तो इसको जो है वेस्टलैंड को यहाँ पे रिक्लेमेशंस के इस्तेमाल में भी होता है। साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अबेंडेंट माइंस जो है ना उसको फिल कर सकते हैं हम लोग फ्लाइयर्स के साथ। साथ ही साथ फ्लाइयर्स जो है ना वो क्रॉप यील्ड को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, साथ ही जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है लैंड की उसको इन्हेंस करती है। तो फ्लाइयर्स का कहीं ना कहीं एडवांटेज है तो इसलिए इसका इस्तेमाल भी होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब पॉलिसी मेजर्स देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट की। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने यहाँ पे नोटिफाई कर रखी थी 2009 में कि वो मैंडेटरी करेगी कि किस तरीके से फ्लाई ऐश को इस्तेमाल किया जाए, वो भी सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, रोड एम्बार्कमेंट में और लो लेइंग लैंड फिलिंग में, तो ये सारी चीज़ों में जो है ना फ्लाई ऐश का इस्तेमाल होना चाहिए। तो फ्लाई ऐश का जो इस्तेमाल किया जाता है माइन फिलिंग एक्टिविटीज़ में तो वो 50 किलोमीटर तक ही होना चाहिए जो थर्मल पावर स्टेशन का है, तो ये भी बात बताई गई थी। अब हम लोग यहाँ पे इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन देखते हैं, यहाँ पे हेल्थ इफेक्ट देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका पॉलिटेंट का नाम दिया गया है, सोर्सेज ये कहाँ से है और हेल्थ इफेक्ट देख लेते हैं। सल्फर ऑक्साइड की बात करें तो ये थर्मल पावर प्लांट से और इंडस्ट्री से निकलती है। हेल्थ इफेक्ट क्या है कि इससे आई और थ्रोट इरिटेट होती है, कफ होता है, एलर्जी होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, लंग प्रॉब्लम होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें तो ये थर्मल पावर प्लांट से है, इंडस्ट्री से, व्हीकल से। हेल्थ इफेक्ट देखें तो ये इरिटेशन होता है लंग्स में, अगेन वही सारी बीमारी होती है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर देखें तो ये व्हीकल के इमिशन से होता है, फॉसिल फ्यूल के जलने से होता है, इससे भी लंग इरिटेट होती है। कार्बन मोनोक्साइड की बात करें तो ये भी सेम आपका सोर्स है, साथ ही ये हमारे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हेडेक होती है, साथ ही यहाँ पे अनकन्सिस्टेंस होता है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये फॉसिल फ्यूल के जलने से होती है और यहाँ पे हमारी जो विज़न है उसको थोड़ा सा ब्लर करती है, हर्ट स्ट्रेन होता है, हेडेक होती है। तो कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो कार्बन मोनोक्साइड जो निकलती है ना व्हीकल इमिशन से, तो वो कार्बन मोनोक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका व्हीकल इमिशन से नहीं निकलती है, तो इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। स्मोक की बात करें तो ये इंडस्ट्री और व्हीकल पॉल्यूशन से निकलती है जो कि अल्टीमेटली हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करती है। ओजोन की बात करें तो ऑटोमोबाइल इमिशन से निकलती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें तो ये रेफ्रिजरेटर स्प्रे हो गई, ये सारी चीज़ों से निकलती है और एसी वगैरह से निकलती है। हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ये फॉसिल फ्यूल के जलने से निकलती है, तो इससे क्या होता है कि कार्सिनोजेनिक इफेक्ट होती है हमारे लंग्स में, किडनी डैमेज होती है, हाइपरटेंशन है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, तो ये सारी चीज़ें। टोबैको स्मोक आप देख सकते हो कि ये सिगरेट और सिगार से होती है। मर्करी की बात करें तो इंडस्ट्री से निकलती है, जैसे कि नर्वस प्रॉब्लम होती है, मेमोरी लॉस होता है, इंसोम्निया होती है, यानी कि रातों की नींद आपकी ख़त्म हो जाएगी। लीड की बात करें तो लीडेड पेट्रोल इमिशन से होती है। वहीं कैडमियम की बात करें तो इंडस्ट्री से निकलती है जो हमारे हर्ट को अफेक्ट करती है। सिलिका डस्ट देखें तो ये सिलिकॉन क्वेरीज है जो कि सिलिकोसिस जो है हमारे अर्थ लंग्स को अफेक्ट करती है। अगर आप लोग मेरे साइंस एंड टेक की जो साइंस एंड टेक की थी ना, या फिर इन्वायरमेंट नहीं, साइंस एंड टेक की थी लास्ट की जो विज़न है इसकी टेस्ट सीरीज़ मैं कराई हूँ, उसमें मैं सिलिकोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो यही है कि सिलिका डस्ट है जिससे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे लंग्स को प्रॉब्लम होती है। कॉटन डस्ट है जो कि कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री से निकलती है और इसे हमारे लंग्स टिश्यू ब्रेक होते हैं, क्रॉनिक कफ होता है, ये सारी प्रॉब्लम है। एस्बेस्टॉस अगर डस्ट देखें तो ये एस्बेस्टॉस माइनिंग में होती है। साथ ही आप लोग रेडियो एक्टिव पॉलिटेंट देखेंगे तो कॉस्मिक रेज से होती है, एक्सरे से, बीटा रेज से होती है, जो कि हमारे जो लिविंग टिश्यूज़ है उसको डिस्ट्रॉय करती है, ब्लड सेल को अफेक्ट करती है, सेल मेम्ब्रेन को अफेक्ट करती है, सेल एंजाइम फंक्शंस को, तो ये सारी प्रॉब्लम है इससे। और कोल डस्ट पार्टिकल्स देखेंगे तो कोल माइन से होती है, ये हमारे जो है लंग कैंसर करती है, साथ ही इससे जो है हमारी रेस्पिरेटरी फेलियर भी देखने को मिला है, तो ये हमारे हेल्थ में जो है एक बैड इम्पैक्ट देखने को मिला है, तो ये आपको याद रखना है। अब वेजिटेशन में अगर इम्पैक्ट देखें तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है। फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट जो है अपने भोजन बनाती है, तो वो कम हो जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड से जो है प्लांट यहाँ पर डैमेज होती है, हाइड्रोकार्बन से भी प्रॉब्लम होता है, ओजोन डैमेज होता है, साथ ही साथ हमारे एनिमल में इफेक्ट देखें तो उनकी मटेरियल डिट्रॉइड होती है, एस्थेटिक लॉस होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम है जो कि देखा जा रहा है। कंट्रोल मेज़र अगर देखें तो बहुत सारी पॉलिसी मेज़र्स लिया जा रहा है, प्रिवेंटिव मेज़र्स लिया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा भी लिया जा रहा है, तो ये दोनों भी देखना ज़रूरी है। कंट्रोल मेज़र्स आप देख सकते हो कि हमारे पॉलिटेंट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है थर्मल और कैटेलिटिक कंबशन से, फिर यहाँ पे कन्वर्जन किया जा रहा है पॉलिटेंट को, वो भी लेस टॉक्सिक फॉर्म में। कलेक्शन हो रहा है पॉलिटेंट का, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ एयर पॉलिटेंट है जिसको एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। पार्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल करने की बात की जा रही है। एरेस्टर्स हैं, स्क्रबर्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जा रही हैं। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव ली जा रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, इंडिया में आप देखोगे तो CPCB जो कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने यहाँ पे नेशन वाइड प्रोग्राम लेकर आया कि किस तरीके से एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग करना है, जिसको नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम कहा गया। नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो है वो हमारे कंट्री में लिया गया, जिसके थ्रू हम लोग एयर क्वालिटी के स्टेटस देख पाएंगे।
साथ ही यहाँ पे हम लोग जो है नेशनल एयर क्वालिटी जो है उसके साथ कंप्लाइंस कर पाएंगे, नॉन अटेनमेंट सिटीज़ जो है उसको देख पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि नेचुरल प्रोसेस क्या है जिसके थ्रू हम लोग अपने एटमोसफेयर को क्लीन कर सकें, और यहाँ पे साथ साथ प्रिवेंटिव और करेक्टिव मेजर्स भी ले सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग जो है यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि सीएनजी के यूज़ को हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए दिल्ली में देख रहे हैं कि ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, सल्फर को रिड्यूस किया जा रहा है हमारे डीजल में, साथ ही साथ एलपीजी को इस्तेमाल करने की बात की जा रही है जो कि डोमेस्टिक फ्यूल में, जैसे कि आप लोग चूल्हा वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जगह जो है यहाँ पर सल्फर की सॉरी एलपीजी को यूज़ करने की बात की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो कि यहाँ पर आपका एक कुछ मेज़र्स लिया जा रहा है तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आप लोग देख सकते हो कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी कि इस इंडेक्स हर साल देखा जाता है कि कितना ज़्यादा है हमारे कंट्री में पॉल्यूशन है, किस स्टेट में ज़्यादा पॉल्यूशन है, किस स्टेट में कम पॉल्यूशन है। इस इंडेक्स के द्वारा ये बताया गया था कि 14 सिटीज़ जो है हमारी कंट्री की वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपकी पॉल्यूटेड है। एयर पॉल्यूशन अगर इंडिया की बात करें तो बहुत ही भयानक हो चुकी है, आप लोगों को ही पता है। हालांकि इसमें पुरानी डेटा होगी, 2015-16 की होगी, अभी लेटेस्ट डेटा नहीं है इसमें। तो फिर भी आप लोग को लेटेस्ट देखना डेटा देखना है कि कहाँ कितना कितना पॉल्यूशन हुआ है। वैसे मैं बता दूँ कि सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूटेड सिटी बताई जा रही है हमारे यहाँ की दिल्ली है, और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा ही ऐसी आपकी सिटीज़ देखने को मिलेगी। 20 सिटीज़ है जो कि हमारे देखिए 20 सिटीज़ टोटल थी जिसमें देखा गया था कि मोस्ट जो हमारी पॉपुलर एयर पॉल्यूशन वाली जो सिटी थी उसमें से 14 सिटी इंडिया की थी, लेकिन टोटल आप लोग देखोगे तो 20 सिटी ऐसी है हमारी इंडिया की जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलस है। तो उसमें भी सबसे ज़्यादा टॉप में कौन है तो दिल्ली है। तो एयर पॉल्यूशन जो है हमारी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी है, उसका सोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है, आप लोग जानते हो। इतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है कि दीपावली के टाइम पे जो है गवर्नमेंट को यहाँ पे मजबूरन ग्रीन क्रैकर्स लॉन्च करने का कहा गया था कि वो लोग ग्रीन क्रैकर्स को लॉन्च किए हैं। तो ये प्रॉब्लम है, मास्क लगा के घूमना पड़ रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। गंगा और यमुना भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो चुकी है क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशंस है, तो ये भी एक बात है। साथ ही साथ आप लोग देखो कि मेजर्स क्या लिया जा रहा है जिसके थ्रू दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को यहाँ पे कंट्रोल किया जाए। तो यहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी ली जा रही है। ऑड इवन का जो रूल था, यानी कि जो फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवन इस तरीके का ऑड डेट के दिन जो है ऑड नंबर की व्हीकल चलती है, इवन डेट के दिन इवन जो आपकी व्हीकल है वो चलती है, तो इसलिए ऑड इवन का जो फंडा है वो भी आपको ध्यान रखना है। वो भी आपका इंप्लीमेंट किया गया था जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा। ट्रैफिक और व्हीकल को रिड्यूस करने की बात की जा रही है, डीजल जो इस्तेमाल होता है उसको कट करना है, सीएनजी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। साथ ही हम लोग जो यहाँ पे जो भारत स्टेज है BS4 से हम लोग डायरेक्ट जो है BS6 में आ गए हैं, क्योंकि इसमें क्या है ना कि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है, सल्फर डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो 10% तक कम हो गया है। साथ ही हम लोग भारत स्टेज 4 को यहाँ पे हटा चुके हैं, ये भी आपको पता है। दूसरे जो पॉल्यूशन सोर्स है उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें की जा रही है हमारी इंडिया में जिसके थ्रू जो है एयर वाटर को एयर पॉल्यूशन को दिल्ली में सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो पूरी बात रही एयर पॉल्यूशन की कि सोर्सेज क्या है, कितने तरीके की होती है, किस तरीके से इसको मेजर्स लिया जा रहा है, कहाँ कहाँ एयर पॉल्यूशन हो रही है, और पूरी तरीके से हम लोग इंडेक्स वगैरह और गवर्नमेंट की स्कीम सब कुछ देख चुके हैं। ओके, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतना रखते, कल हम लोग देखेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में। बहुत ही अच्छी चैप्टर है, इसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी, डिटेल में पता चलने वाली, जिससे कि आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपको पता है कि हम लोग भी पॉल्यूशन से जूझ रहे हैं, तो इस तरीके की जो चैप्टर होती है उसको स्किप करने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछ दिया जाए नोबडी नोज, तो आप लोग को प्रिपेयर होना है और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। ओके, सो गाइज़ आपको अगर ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।